हेलो फ्रेंड्स, आरके लर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारत में वर्तमान में कौन क्या है। जुलाई 2019 तक अपडेटेड है, तो आप लोग एंड तक वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और जो लोग नए चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, तो आप लोग उस पर टच कर देना आप लोग को। और बगल में बेल आइकन आएगा, उसको भी ऑन कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो ये सभी को पता होगा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंजन गोगोई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी कौन है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनील अरोड़ा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजीव महर्षि। कैग के अध्यक्ष कौन है, राजीव महर्षि। यानी भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो राजीव महर्षि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो दोस्त, इसका राइट आंसर जाएगा के वेणुगोपाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान में गवर्नर है शक्तिदास कांत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान थल सेना प्रमुख यानी आर्मी चीफ कौन है। तो थल सेना प्रमुख है वर्तमान में बिपिन रावत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान वायुसेना प्रमुख यानी एयर चीफ कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी एस धनोवा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी एस धनोवा। अगला फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, वर्तमान नौसेना प्रमुख यानी नेवी चीफ कौन है। तो वर्तमान में नौसेना प्रमुख है, तो राइट आंसर हो जाएगा करमबीर सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है, तो करमबीर सिंह। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में अरविंद सक्सेना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद सक्सेना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता। ऑप्शन इज द राइट आंसर, तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी सीए कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSC कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अजीत डोवाल, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोवाल। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं बीके यादव यानी विनोद कुमार यादव, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन है, तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं, तो राइट आंसर जाएगा सुधीर भार्गव, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, सुधीर भार्गव। अगला प्रश्न है प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष है ए सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है राजीव कुमार, जो कि पहले यही थे और अब भी यही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। महिला फीफा विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता, तो इसका सही आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर आपको टच कर देना और बगल में बेल आइकन को भी टच कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के आपका दिन शुभ हो।